नेक्स्ट कॉलर हैं भवानी लाल मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ जी, सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरा सवाल ये है, मेरी पत्नी है, उनकी उम्र 60 साल है। ठीक है। और उनका अभी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो फैटी लीवर की रिपोर्ट आई है। जी ठीक है। और देखिए, बहुत ज़्यादा फैटी लीवर हो रहे हैं और फैटी लीवर की वजह यह है कि हम जब भी बहुत किसी बड़ी बीमारी में मुबतला होते हैं जिसमें हमें 10-15 दिन एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, उसके बाद हमारे लीवर पे असर रह जाता है जिसका हम कभी इलाज नहीं करते। एलोपैथ में लीवर को कोई ऐसा पार्ट नहीं मानते जो ज़रूरी होता है, जबकि यूनानी में इसको बहुत जिम्मेदार, दिमाग के बाद सबसे जिम्मेदार पार्ट लीवर हम मानते हैं। एलोपैथ में कोई डॉक्टर भी नहीं होता लीवर का, वो पेट के डॉक्टर का इसका इलाज करता है। इसलिए तफसील बता रहा हूँ कि हम समझ सकें कि हम क्या हैं। अच्छा, फैटी लीवर का इलाज में सबसे पहले एनिमल फैट छोड़ना होगा, गोश्त छोड़ना होगा, तली हुई चीज़ें। और देखिए, मस्का जो आप खाते हैं, मक्खन, इसमें भी फैट एनिमल फैट है, दूध में भी है, देसी घी में भी है। तो ये सब छोड़कर वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करें। और एक सिरका आता है, जैतून का सिरका, सुबह शाम 2 से 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच एक गिलास पानी में मिला के पिया करें। और आपकी पत्नी को पैदल चलने को कहें, धूप में वो 1 घंटा ज़रूर रहें रोज़ाना, तो उनका ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं लता बदरपुर से हमारे साथ, स्वागत है लता जी आपका। हाँ जी मैम, ये बहुत जी से बात कराइए। आपको सुन रहे हैं लता जी, आधा आवाज करते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी नमस्कार सर। जी आधा। हाँ जी सर, मेरे को ना 3 साल से शुगर है और मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। क्या उम्र है लता जी आपकी? मेरी 50 साल। अच्छा देखिए, शुगर का तो इलाज आप करते ही हैं, लेकिन अगर रोज़ाना 3 चम्मच जैतून का सिरका पी लिया करें, 1 गिलास पानी मिला के छोटा चाय का चम्मच, तो शुगर आपकी वो रहेगी जितना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 2 टाइम भी पी सकते हैं छोटे चाय का चम्मच जैतून का सिरका। लेकिन उससे आपको वो दवा भी लेते रहिए जो डॉक्टर ने दी है, लेकिन ये आपको सुरक्षित भी रखेगी, यानी आपको नुकसान नहीं होने देते किडनी के, लीवर के, दिल के नुकसान, जो शुगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है इन पार्ट्स को। और गोंद सिया ले लीजिए 100-200 ग्राम, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं। काला गोंद भी कहते हैं इसे, मुश्किल से मिलता है, नकली भी मिलता है और कड़वा भी होता है। तो सुबह शाम आधा आधा ग्राम, यानी एक गोली चने की बराबर बना लें, रॉ मटेरियल ही लेना, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए, तो आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आप इन बातों को फॉलो कीजिएगा जो हकीम साहब ने अभी आपको बताई हैं। सभी बातों को नोट डाउन कर लीजिएगा दर्शकों, क्योंकि आप जब कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो बहुत ही सरल घरेलू नुस्खे आप लोगों को बताए जाते हैं, तो एक एक बात आप लोगों को नोट डाउन करनी है। परहेज कौन कौन से आपको बताए जाते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, और इसी के साथ कौन सा ग्राम आपको कितना उपचार करना है, कितना रॉ मटेरियल आपको बनाना है, ये भी आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक बात का ख्याल रखेंगे तो ज़रूर आपकी जो सेहत है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। लाखों लोगों ने हमसे जुड़ के, हकीम साहब से जुड़ के अपने आप को सेहतमंद बनाया है। उनको इतनी बड़ी से बड़ी बीमारियां हो गई, लेकिन यूनानी से जुड़ के, घरेलू नुस्खे अपना के अब वो लोग फिट हैं और बेहतर जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी फिट हो सकते हैं, आपको कोई रोग छू तक नहीं पाएगा अगर आप लोग नुस्खे अपनाते हैं जो हकीम साहब आप सभी को यहां पे बताते हैं। फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से जो जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नाम बताइए। हाँ जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रामूर्ति गोयल बोल रही हूँ, गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी आदाब। आदाब, नमस्ते जी। जी आदाब जी, मेरा पोता है 11 साल का है। जी वो थोड़ा मोटा है, उसका पेट भी बहुत मोटा है। ठीक है। तो वो खाता बहुत है, सारा दिन इसका मन करता है मैं खाता रहूँ।
तो 65 मतलब उसका बेटा है। ठीक है, तो उसका कोई इलाज बता दीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए उसको दवा देना तो गलत है क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अगर उसके लंबाई भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, तो ग्रोथ तो करने दीजिए। लेकिन जो आप खाना बनाती हैं उसमें बहुत सारा लहसुन इतना सारा और इतनी अदरक और ज़ीरा भी ज़्यादा डालिए ताकि वो जो खाए तो वो चर्बी उसके जिस्म को नहीं लगे बल्कि निकल जाए। ये एक अच्छा तरीका है। और उसको स्पोर्ट्स में भागने दौड़ने वाले गेम में उसको शामिल कीजिए, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कुछ भी वो गेम जो पसंद करता है, लेकिन आउटडोर गेम उसको ज़रूर खिलाइए। और पी सके तो 5 बार गर्म पानी पिलाइए। और बहुत दवा उसको देना ठीक नहीं है, ये अगर आप अमल कराती हैं तो उसका वज़न काबू में होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है आरबी सिंह बरेली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, प्रश्न कीजिए अपना। हाँ मैडम, और के कूल्हे में इसमें दर्द रहता है, भी उपचार है जी। ठीक है, हाँ देखिए बढ़ती उम्र में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसके दर्द नहीं होता और उसकी दवाएं हम वही लेते। अगर मेरे भी दर्द हो कोई आज कमर में तो मेरे पास कोई दवा नहीं है कि मैं आज ही फ़ायदा कर लूं, तो मैं इंग्लिश ले लेता हूं। लेकिन अगर मुझे महीनों और सालों कोई तकलीफ़ होती है तो मैं फिर यूनानी लूंगा। तो यूनानी में गोंद स्याह, बार बार मैं बताता हूं, एक ऐसी रॉ मटेरियल है जिससे बहुत फ़ायदा मुमकिन है। 100-200 ग्राम ख़रीदें, आधा आधा ग्राम सुबह शाम पानी से। देखिए यूनानी जल्दी भी फ़ायदा करती है किसी को और देर में भी करती है। जिसको फ़ायदा हो जाए जल्दी वो भी 3-4 महीने लगातार दवा खाए ताकि मर्ज से निजात मिल सके। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं हरभजन सिंह हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, आदाब जनाब, फरमाइए क्या सेवा की जाए। सर सेवा तो इतनी है, बस अपने 4 महीने हो गए हैं। तो पहले तो अच्छा भला मैं 4-4 किलोमीटर चल लेता था पैदल ही। ठीक है, पर चार महीने से ऐसा हो गया कि मतलब घर से थोड़ा सा बाहर भी जाता हूँ तो सांस चढ़ने लग जाता है। एज बता दीजिए। एज तकरीबन 70 के करीब है। अरे बहुत मुबारक, आप अच्छी उम्र में जी रहे हैं। और इस वक्त में हमारे दिल पर कमजोरी आती है और उसके लिए आप देखिए जो भी घर में आपके खाना बनाते हैं उनसे कहिए लहसुन इतना सारा इस्तेमाल करें, इतना सा नहीं। हमारी महिलाएं अक्सर कंजूसी करती हैं लहसुन अदरक को इस्तेमाल करने में, इतना लहसुन इतनी अदरक इस्तेमाल करें, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, दिल मजबूत होता है। और देखिए एक सिरका अगर आपको मिल जाए तो जैतून का सिरका लीजिए और रोज़ाना 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को खाने के बाद पानी में मिला के लें, छोटे चाय के चम्मच, तो आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अगली कॉलर है दिल्ली से गीता हमारे साथ, स्वागत है गीता जी आपका। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी आदाब जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना है, उसकी एज है 48, तो वो ना उसको पाइल्स की भी प्रॉब्लम थी, पाइल्स तो अब भी है लेकिन उसको अस्थमे की अब ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी जी मैं डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को ना अस्थमा है। ठीक है ठीक, उसकी 40 साल उम्र है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए फेफड़े जिसके कमजोर होते हैं बार बार अस्थमा होने से, बार बार नज़ला खांसी होने से होता है। और इस वक्त फेफड़े या अस्थमा वाले बहुत मजलूम हैं क्योंकि ऐसी माहौल चल रहा है देश में, पूरी फैली हुई है बीमारी, तो उनका ख़ास ख्याल रखिए। और गर्म मिजाज की चीज़ें उन्हें खिलाइए, जो भी गर्म चीज़ें हैं वो खिलाए, ठंडी बिल्कुल मत खिलाया करिए। आम खिला सकते हैं, चीकू खिला सकते हैं और पपीता खिला सकते हैं, लेकिन ये संतरा
मौसमी और ये नींबू आम का अचार खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खिलाइए। अस्थमा के लिए बाकायदा भी इलाज है माजून आर केयर द्वारा होता है माजून आर केयर। और घरेलू इलाज ये है कि गर्म चीज़ें खिलाएं और सपिस्तान उन्नाब अलसी 100-100 ग्राम लें और 20 ग्राम इसमें पीपले मिलाकर पाउडर बनाएं, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम गर्म पानी से खिलाएं। और अस्थमा वाले को क्या आम आदमी को भी गर्म पानी रोज़ाना पीना चाहिए, जितना भी पी सकते हैं। मैं कम से कम 5 गिलास गर्म पानी पीता हूँ और सेहतमंद रहता हूँ जी। नेक्स्ट कॉलर है तरुण गाजियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है तरुण आपका। नमस्ते जी। जी नमस्ते। जी हाँ जी, मुझे ना एक्चुअली 15 सालों से ये एनजाइटी डिप्रेशन की दिक्कत है बहुत ज्यादा और कमजोरी भी बहुत रहती है, कुछ काम नहीं कर पाता। तो इसके लिए मुझे पूछना, थोड़ी स्ट्रॉन्ग दवा बताइएगा क्योंकि आराम नहीं हो रहा मेरे को कई चीजों से, दवाइयों से। एज बताइए अपनी। 33। अच्छा देखिए, ये मर्ज की दवा 3 महीने लगातार खानी चाहिए और बहुत आसान इलाज है, लेकिन तेज़ दवाएं तो आपने खा के देख ली और खाते भी होंगे। ये दवा रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा करती है, स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन ये आपके मर्ज पर काम करती है, आपके अगर बना सकें तो बना लें। देखिए आपको लेना है धनिया 300 ग्राम और अलसी 100 ग्राम, छोटी हड़ 100 ग्राम और इसमें गौन मोरिंगा 100 ग्राम और इसमें 50 ग्राम छोटी इलायची, 50 ग्राम जो हरी वाली इलायची छोटी इलायची कहलाती है वो डालिए और इसको घर में ही पाउडर बनाना है। सब रॉ मटेरियल लाना है, पिसा पिसाया नहीं लाना, नहीं तो फ़ायदा नहीं करेगी क्योंकि मिलावट बहुत होती है। सब रॉ मटेरियल लाना है, कुछ तो आपके घर में होंगे ही, कुछ बाज़ार से ले लें, गौन मोरिंगा आप ज़रूर लें और असली लें और इसका पाउडर बना के या तो आप इसे इसके बराबर ही शहद में मिला दें, जितना पाउडर हो उतना ही शहद में इसको डाल दें या उससे दोगुने शहद में, फिर एक एक चम्मच खाया करें या फिर इसका पाउडर ही आप खा सकते हैं, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम पानी से, और आप देखेंगे कि ये मटेरियल ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है इंदर राजस्थान से हमारे साथ, स्वागत है इंदर जी आपका। जी मैडम जी। हाँ जी, सवाल कीजिए। जी मैडम जी, मेरे बार बार लेट फिंग हो गया। जी एज बताइए इंदर भाई। उम्र 25 साल। 25 साल जी। हाँ, और वजन 60 किलो, 60 केजी। ठीक है इंदर भाई, मैं अक्सर गोंद बताता हूँ तरह तरह के। एक गोंद आता है जिसे बादाम का गोंद कहते हैं, बादाम का, हाँ इसे हमारी जबान में कतीरा कहते हैं, आपकी जबान में बादाम का गोंद कहते हैं। तो ये ले लीजिए, 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, घर में बचा पड़ा रहेगा। 1 ग्राम इसका पाउडर बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा, और 1 ग्राम पानी में मिला दें और थोड़ी देर बाद इसको पी लें। चाहें तो इसमें शक्कर वक्कर भी मिला सकते हैं, अपनी जायके का फ्लेवर मिला सकते हैं, तो अब बहुत का आपका बहुत जल्दी ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है इंदर मेहता जोधपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आदाबाज, मैं आपसे कलाम कर रहा हूँ, बताइए। हाँ आदाबाज, आदाबाज किम साहब, मेरी वाइफ है। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ, 70 ईयर की एज है साहब। ठीक है। और उसपे 70 ईयर की एज है जी। हाँ साहब, उसके ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत है साहब। ड्राइनेस की, स्किन बहुत ड्राई रहती है। आँखों में सुखामन है, कान में, मुंह में, नाक में, बॉडी में ड्राइनेस बहुत है। तो ड्राई आईज की प्रॉब्लम पिछले 10 साल से है, अब धीरे धीरे सुखापन बढ़ रहा है, उसका इलाज कोई बताइए। अच्छा, डायबिटीज तो नहीं है मैडम को? हाँ डायबिटीज भी है सर। ठीक है,
अच्छा देखिए, एक आता है जैतून का सिरका, जैतून का सिरका, और ये खरीद ले और 3 चम्मच रोज़ाना रात को पानी में मिला कर, 1 गिलास पानी में मिला के पिला दिया करिए। इनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी और ड्राइनेस भी बहुत, मैं भी बहुत फ़ायदा होगा। ये आप एक टाइम पिलाएं या ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 टाइम भी दे सकते हैं। छोटे चाय के चम्मच 2 या 3 चम्मच पानी में मिलाकर 1 गिलास रोज़ाना पिलाया करें।